भारत में एजुकेशन या फिर एक मजाक, आजकल के माँ बाप भी अपना फायदा देखते हैं बच्चों का नहीं। आजकल के बच्चे कंप्यूटर की दुनिया में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, पर आज भी स्कूलों के अंदर एमएस वर्ड और पेंट को सिखाने बैठे हुए हैं, वो भी सदियों पुरानी विंडोज के साथ। वही पुराना कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, सुपर कंप्यूटर कितने कमरों में फिट आता है। तुम लोग आगे मत बढ़ना, तुम लोग तो कंप्यूटर के इतिहास में ही गुम हो जाओगे। इसका नाम कंप्यूटर साइंस नहीं, इसका नाम बदल के कंप्यूटर इतिहास रख देना चाहिए। कभी कंप्यूटर की विंडोज को खोल के देखो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ चुके हैं। बच्चों को तो कंप्यूटर की खिड़की यानी विंडोज के अंदर कैद करके रख दिया गया है। 1998 वाला कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है। विंडोज 10 जाने को है और ये विंडोज 98 में घुसे पड़े हैं। आज मैं कुछ पॉइंट्स को बताने वाला हूं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, कोचिंग सेंटर्स, टीचर्स और कुछ स्वार्थी माँ बाप, सबकी बैंड बजाऊंगा। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु, हो जा शुरू। पॉइंट नंबर 1, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन नहीं है, इसलिए वहां सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, आजकल हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्टों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि आजकल की डेमोक्रेसी के बारे में बच्चों को घंटा कुछ नहीं बताया जाता। पॉइंट नंबर 3, कभी भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इन चीजों पर फोकस नहीं करता है कि उनके बेसिक सब्जेक्ट्स हर बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं। जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो हर सब्जेक्ट हर बच्चे पर जबरन क्यों थोपा जाता है? क्या क्यों टीचर पांचों सब्जेक्ट अकेला पढ़ा सकता है? नहीं ना, हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट में ही परफेक्ट होगा, वैसे ही हर बच्चा हर सब्जेक्ट में कैसे बेस्ट हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4, बच्चे का आईक्यू लेवल 14 की उम्र से शुरू हो जाता है और वो तब तक 10वीं क्लास में पहुंच जाता है। अरे यही तो वक्त होता है, तब तो उसे अपने मनपसंद सब्जेक्ट लेने दो। पर यहां तो उसका उल्टा होता है, दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट उसके सामने रख दिए जाते हैं और स्कूलों में टीचर कहते हैं लो इन्हें पास करो, और ये भी कहते हैं हम तो आपको समझा सकते हैं, हम इसमें तो हमारा कोई घाटा नहीं है, अगर आप फेल हो जाओगे तो हमें तो स्कूल की तरफ से तनख्वाह मिलती है, इसमें तुम्हारा ही घाटा होगा। बच्चे को मोटिवेट तो क्या करना है, बच्चे की फाड़ के रख देते हैं ये लोग, बच्चे पर पूरा प्रेशर बनाते हैं। अगर बच्चे को 10वीं क्लास से ही पसंदीदा सब्जेक्ट दे दिए जाए तो वो बिना प्रेशर के पास होकर दिखाएगा, और ये मैं गारंटी देता हूं। पॉइंट नंबर 5, सबसे ज्यादा आत्महत्या बच्चे कोचिंग सेंटरों में जाकर करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। क्यों क्यों इधर कोचिंग सेंटर है ही क्यों? किस बेवकूफ ने बनाए हैं ये कोचिंग सेंटर? इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम बिका हुआ है या फिर बच्चा ही कमजोर है? इसका मेन कारण बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर लेते हैं कोटा को। कोटा में भर भर के कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, वहां के कोचिंग सेंटरों में 90 बंदे फेल हो जाएं और एक गलती से भी पास हो गया तो भाई लोग, ये लोग क्या करते हैं कोचिंग सेंटरों वाले, उनकी फोटो और पोस्टर चिपका चिपका कर अपना धंधा तोड़ते हैं, धंधा चलाते हैं। अरे बाकी के जो 90 फेल हुए हैं उनको तुम्हारा बाप दिखाएगा। और हाँ, वहां जाकर सुसाइड क्यों होते हैं, इसका मेन कारण जाता है कुछ स्वार्थी माँ बाप के ऊपर। अब ध्यान से सुनना, लाइट्स डाउन, शर्मा जी के लड़के ने इस बार टॉप किया है उस फलाना ढिमकाना कोचिंग सेंटर से। यह बात सुन के बाप आता है अपने घर पे और अपने बेटे को कहता है, तू भी वो कर जो शर्मा जी के बेटे ने किया, अगर वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, तेरे को करना ही पड़ेगा, मैं जा रहा हूं सुबह घर को गिरवी रख के तेरे को सेंटर भेजूंगा। अगर घर को बचाना है तो इस बार टॉप करना, हमें भी तो लोगों को बताना है कि हमारा बच्चा उस फलाना ढिमकाना सेंटर में करता है वो फलाना ढिमकाना कोर्स। कुछ स्वार्थ छुपा होता है कुछ माँ बाप का इसके, क्योंकि उन्हें बताना होता है कि हमारा बच्चा ये करता है वो करता है। चलो कोई बात नहीं, लाइट्स ऑन। अब बात आती है बच्चे की। एक तो बच्चे से जबरदस्ती वो चीज करवाई जाती है जिसमें बच्चे की बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, ऊपर से घर वालों का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ सेंटर वालों का प्रेशर होता है। बच्चा समझ जाता है कि मैं इसमें पास नहीं हो सकता हूं क्योंकि यह चीज मेरे लिए बनी नहीं है, तो वो आखिरी फैसला लेता है अगर मैं ही ना रहा तो सब कुछ सही हो जाएगा, मैं अपने मां बाप के पैसे क्यों डुबो रहा हूं। और आखिर में वो एक फैसला लेता है, वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और उन मां बाप को एक मेरा मैसेज है जो ये सब करते हैं, हर सीमेंट की दीवार को देखकर अपनी कच्ची दीवार नहीं तोड़नी चाहिए। आई बात समझ? और इसका दूसरा पहलू जाता है कोचिंग सेंटरों पर, वहां पर जो एजुकेशन के नाम पर जो वसूली की जाती है उससे तो भगवान ही बचाए। क्या सरकार को यह नहीं दिखता? अगर दिखता है तो सरकारी कोचिंग सेंटर क्यों निकलवाए जाते? अरे छोड़ो यार, ये कोचिंग सेंटर है ही क्यों? पॉइंट नंबर 6, सरकार हमेशा कॉन्सेप्ट बदलती रहती है, पहले CBSE और अब CCE। किस बेस पे? पढ़ाई आसान करने के लिए। अरे पढ़ाई में आसान या हार्ड कुछ भी नहीं होता है, मेन बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका कैसा है। पॉइंट नंबर 7, सबसे मेन बात, यहां के लोग बात करते हैं गूगल का CEO हमारे इंडिया का है, सुंदर पिचाई।
अरे पहले ये तो पता कर लो उसने डिग्री कहां से की है। इंडिया से बाहर निकला तो बेचारा कुछ बन गया, अगर यहीं रह जाता तो। पॉइंट नंबर 8, इंडिया की एजुकेशन से आज तक किसी ने भी कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट और आईक्यू को देखते हुए नहीं बल्कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखते हुए नौकरियां बांटी जाती हैं। जिस दिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस काबिल हो गया कि वो बच्चे के दिमाग को देखते हुए करंट कॉन्सेप्ट पर एजुकेट करेगा, उस दिन इंडिया का छोटा छोटा बच्चा लोग दुनिया की वाट लगा देगा। और सरकार को एक और स्टेप लेना चाहिए कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स को इग्नोर करते हुए टैलेंट और आईक्यू लेवल पर जॉब बांटी जाए, उस दिन इंडिया आगे बढ़ेगा। लाइट्स डाउन। अगर मैंने एक भी पॉइंट गलत बोला है तो नीचे जाओ, कमेंट बॉक्स दिख रहे हैं ना, गालियों से भर दो, जितनी मर्जी गालियां दे सकते हो। और अगर मेरा एक एक पॉइंट सही है तो इसे उन पॉलिटिकल लीडर्स, टीचर्स और उन स्वार्थी माँ बाप, इन सभी को ये वीडियो शेयर करो। लाइट्स ऑन, अभी से आग लगा दो, कल किसी ने नहीं देखा, करो शेयर। और आज का लाइक एम है 50,000 लाइक्स, अगर नहीं कर सकते हो तो 50,000 डिसलाइक दे दो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टल्ली भी दबा लेना, क्योंकि जो है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। तो फिर से जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।